स्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू गेम ऑफ शॉट। तो आइए देखते हैं कि अमन देखते क्या है। भाई क्या देखते हैं भाई, तुम क्या देखोगे बेवकूफ गधो। अगर तुम रोमन एक्स का साथ दे रहे हो कसम से तो बिल्कुल तुम लोग सही कर रहे हो, पर अगर जो इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं महान हो तुम। भाई सैमीजन एलिमिनेट हो चुका है, यस हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि आज अमन की टीम में से कोई रहे ना रहे, जॉन्स जरूर रहना है भाई प्लीज। रैंडी ऑर्टन इस टूर्नामेंट में पहली बार, आज तो तेरा कांड है भाई कांड। ब्रॉक लेसनर तेरे पास और है तो है, अभी तक बचा हुआ है। हाँ अभी तक जॉन सीना के साथ नहीं आया तो अभी तक बचा हुआ है। जॉन सीना भाई खेलो अच्छा यार, मैं भी चाहता हूँ कि आप खेलो यार, रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हो, यहाँ पर कुछ ऐसा तोड़ू परफॉर्मेंस दिखाओ यार, मजा आ जाए। भाई रैंडी ऑर्टन अमन का पहला प्लेयर हो चुका है सेथ रॉलिंस के साथ, रैंडी ऑर्टन वाइपर। अब देखते हैं कि अमन का दूसरा प्लेयर कौन है। देखो अभी फिलहाल जैसा जा रहा है ना किस्मत, जॉन सीना अभी फिलहाल के लिए मत रहना, अभी आपको एलिमिनेट नहीं किया गया है, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए प्लीज। लेट्स गो सीना, सीना ने बोला था कि ज्यादा फाइट करेंगे वो 2025 में, यहां भी ज्यादा फाइट करने के मूड में। तो भाई जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस तीनों का टीम बन चुका है, अब लेट्स गो फॉर रोमन रेंस का टीम। एक बात बताओ, आई थिंक सो कि रैंडी ऑर्टन का फर्स्ट एंड लास्ट परफॉर्मेंस होने वाला, देखते हैं। मेरा डू मैकेटायर और कॉडियोस दोनों एक साथ आ जाए उसके बाद फिर मजा आएगा। सीएम पंक भी अच्छा ही खेलता है, आई थिंक हम लोग एक दो वीडियो में देखे थे, अच्छा ही खेलता है। चलो सीएम पंक आ चुका है, लेट्स गो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। जॉन सीना के साथ उन्हें मैच चाहिए और सेथ रॉलिंस के साथ तो दुश्मनी चल ही रही है। अब दूसरा कोई एकदम अच्छा लेजेंड, ड्रू मैकइंटायर या कॉडी आ जाए। भाई कॉडी रोड्स आया ना तो मैं मैच चालू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। ब्रॉन अच्छा, रैंडी ऑर्टन भी पहली बारी मेरे गेम में आया है और ब्रॉन बेकर भी पहली बारी तुम्हारे गेम में आया। भाई ब्रॉन बेकर का WWE में जो फिनिशर है वो है स्पियर, यहाँ भी भाई प्लीज तुम स्पियर ही दो, रोमर एक टाइप का एकदम तोड़ के स्पियर दो, मजा आ जाएगा। देखो भाई ये मैच अगर तू हारता है ना तो मैं वोटिंग के लिए बोलूंगा भी नहीं, हम लोग मान लेंगे कि रैंडी ऑर्टन, हम लोग मान लेंगे कि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट। जॉन सीना तुम सुन रहे हो, अच्छा मैं तुम लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो पिछली बार वाला शेर का बच्चा हुआ था सीजन 4, उसमें भी रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना की वजह से एलिमिनेट किया। वाओ नाइस, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज। रोमन ने स्पीयर लगा दिया जॉन सीना को, जॉन सीना बचा लेते भाई, तुम्हारे पास भी सुपर फिनिशर है, व्हाई दिस कोलावेरी डी व्हाई। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने बचा लिया जॉन सीना को, रोमर एक दूसरे फिनिशर के लिए जा रहे, एलिमिनेट हो जाइए सीना सर प्लीज, मुझे आपसे यही उम्मीद है एलिमिनेट हो जाइए। अभी बचा, मैं बोलने ही वाला था कि अभी बचाएगा, ठीक है उम्मीद पे दुनिया कायम है, जॉन सीना परफॉर्म करेंगे ये वाले मैच में। जिन लोगों ने वोट किया अपनी छोटी छोटी उंगलियां चलाई है, तुम लोगों की उंगलियां छोटी छोटी ही हैं, जिन लोगों ने वोट किया तो छोटी छोटी उंगलियां चलाई है जिन लोगों ने जॉन सीना को बचाने के लिए, जॉन सीना परफॉर्म करेगा। जॉन सीना देखिए मुझे आप पे पूरी उम्मीद है, मेरा बस चलेगा ना, मैं आपको आखिर तक ले जाऊंगा क्योंकि आपके आखिर जाने से मेरी जीत एकदम तय है भाई। अच्छा रोमन के लोग तो कर रहे हैं जॉन सीना को वोट, पर ये सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं भाई साहब, खतरनाक। सेथ रॉलिंस आ चुका है, इसे देख के ना मुझे एकदम चिचिरी मचती है, और वो भी शील्ड के कपड़े में तू लाया है यार, उल्टा रेसलमेनिया में देख के चिचिरी मच रही है। अभी रोमन के पास टाइटल होता फिनिशर टाइम, भाई टीम कैप्टन ने आते के साथ फिनिशर लगाया, जॉन सीना नीचे क्यों उतर गए। देखो जॉन सीना के पास अभी भी सुपर फिनिशर है और मेरे को होप है कि मैच के लास्ट तक तो एक फिनिशर लगाएगा जॉन सीना। मुझे ब्रॉन बेकर का परफॉर्मेंस देखना, ब्रॉन तेरे पास भी स्पियर है ना, सच्ची बता दे प्लीज, सच्ची बता दे तेरे पास स्पियर है कि नहीं है। भाई साहब एक काम करो कि रैंडी ऑर्टन और ब्रॉन बेकर को टैग चेंज कर दो, दोनों पहली पहली बारी, शेर का बच्चा सीजन 5, रोमन डॉज कर रहा है फिनिशर। भाई रोमन इज अ ट्राइबल चीफ, सीजन 5 है भाई, अगर इस बार भी रोमन जीत गया ना तो नेक्स्ट सीजन का जो कंटेंडर रहेगा ना वो काफी यूनिक तरीके से निकलेगा, कि अब किसी को ऐसी मौका नहीं मिलेगा, 5 सीजन से बचा रहा है टाइटल यार भाई, 5 सीजन हो गया भाई। रोमन का परफॉर्मेंस ने, लक ने, इन भाई साहबों ने, भाई साहबों ने, जॉन सीना ने, बहुत लोगों ने साथ दिया, वाओ नाइस, इसे बोलते हैं सेथ रॉलिंस भाई साथ क्यों नहीं दे रहे। रैंडी ऑर्टन अब तुम्हारे ऊपर ही पूरा मैच है क्योंकि जॉन सीना की भी हेल्थ जा ही चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म है पूरा। तो कैप्टन ने कैप्टन को एलिमिनेट कर दिया, इससे अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, अगर रोमन रेंस के सामने रॉक रहता ना कैप्टन तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता। मैं अच्छा ब्रॉन ब्रेकर आ चुका है, दोनों मैच में पहली पहली बार खेल रहे, फिनिशर लगा दिया। नहीं यार मुझे लगा था स्पीयर होगा इसके पास, ये सब फिनिशर बचने में काफी इजी है यार। हाँ चलो फिनिशर तो लगा दिया, रोमन एक्स 5 में ही एलिमिनेट हो जाते, फिनिशर खा गया रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, जॉन सीना से ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं बता रहा हूं। यानी कि WWE अब अमन की नैया 2 लेजेंड के हाथ में है, जॉन सीना
एंड रैंडी ऑर्टन, द वाइपर रैंडी ऑर्टन। देखो रैंडी ऑर्टन पे मेरे को ट्रस्ट है, रैंडी ऑर्टन पहली पारी ऐसा खेल के जाएगा ना, और हो सकता है कि ये रैंडी ऑर्टन का आखिरी पारी हो भाई, मोमेंट देना चाहता है रैंडी ऑर्टन भाई। सुपर आरक्यू लगा रहा है रैंडी ऑर्टन, ऐसा मत कर भाई प्लीज, तुझे कसम है प्लीज ऐसा मत कर रैंडी ऑर्टन। ब्रोनू बच जा यार, जॉन सीना कुछ थोड़ा सा कुछ सीख लो भाई, तुम्हारे पास भी सुपर फिनिश है। ओ भाई साहब, स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट इक्वेशन को बराबर करते हुए सीएम पंक टाइम पास कर, तू रैंडी ऑर्टन बाद में संभाल लेगा। सीएम पंक टाइम पास मत कर, सुपर फिनिशर थे रैंडी ऑर्टन, काफी खतरनाक लग रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर ये मैच मेरा जितना जरूरी है, रैंडी ऑर्टन का एलिमिनेट करो यार। उमंग तो बोलेगा भी नहीं कि रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करो यार, उमंग तो बोलने का भी ट्राई नहीं करेगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं, हम लोग मान लेंगे। तो भाई जॉन सीना का रिटायरमेंट मुझे बहुत खुशी है, मैं क्या बोला, मुझे बहुत फायदा दे रहा है, थैंक यू सीना। तो भाई सीएम पंक लगा दे फिनिशर भी नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, जो बाकी जो लोग जिनके वजह सुपर फिनिशर टाइम पर रैंडी ऑर्टन ने बचा लिया, रैंडी ऑर्टन खराब नहीं हो रहे भाई साहब, मैच का चौथा फिनिशर और रैंडी ऑर्टन को खेलते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए अभी तक। देखो भाई रैंडी ऑर्टन कितना भी मिनट खेले वो रिटायर नहीं कर रहा है, जॉन सीना कर रहा है, इसलिए जॉन सीना को रखो, मैं चाहता हूँ जॉन सीना को रखो। पता है एक कहावत, पता बड़ी खतरनाक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता है, मैं इनके सामने नहीं बजाने वाला, पक्की बात। तो भाई सीएम पंक आ चुका है, जॉन सीना का को फिनिशर देने के मूड में नहीं है। सीएम पंक एक फिनिशर देते दे भाई, 2 फिनिशर है तेरे पास, एक तो लगा दे। रूमर है इसको रोमन जा भाई, जॉन सीना मैं चाहता हूँ किसी को तो पकड़ करके बस सुपर फिनिशर लगा दे, ताकि इन लोगों का भी रह जाए कि जॉन सीना परफॉर्म करता, और मैं चाहता हूँ कि जॉन सीना परफॉर्म करे। तो भाई रोमर एक कुछ तो कर लो भाई, पिछली बार मेरी जिद से जॉन सीना बार बार आ रहा था, इस बार लग से बार बार जॉन सीना आ रहा है भाई, प्लेयर कम है ना तो इसलिए स्पिन में आ रहा है, अब तो तेरे पास कम प्लेयर बाकी। रैंडी ऑर्टन मिलते हैं भाई, अगर बाय द वे तुम लोग दोनों लेजेंड हारे हो तो रैंडी ऑर्टन जाएगा। ये बिल्कुल सही है, रोमर एक ज्यादा चांस मत ले, काउंट आउट सेलिब्रेट कर दे। अरे यार रैंडी की तरफ क्यों टारगेट कर दिया यार, रैंडी ऑर्टन की तरफ, जॉन सीना को एलिमिनेट करूं। हाँ बिल्कुल सही, जॉन सीना देख बार हूं तू खेल ले, तू जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को बचा तो लो कम से कम, कहां जा रहे हो, स्टैचू खेलने लगते हैं जॉन सीना, क्या बिहेवियर भाई साहब, बिल्कुल अच्छा मौका है। रोमर एक सिग्नेचर फिनिशर लगाओ, जॉन सीना पूरा मैच खत्म होने को आ गया है, 7-8 मिनट हो चुका है, प्लीज फिनिशर लगा दो जॉन सीना। जॉन सीना को अब जोश आ चुका है, जॉन सीना ने बचा लिया रोमर एक्स का, अब देखते क्या होता है। ओ भाई साहब जॉन सीना अब जोश में आ रहा है, संभाल लोगे, रोमन को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ के आरक्यू देता है भाई, बचा लिया फिनिशर टाइम। अरे फिनिशर क्यों नहीं पॉज हो जाता, जॉन सीना पता नहीं क्यों पॉज हो जाता है भाई साहब। रोमन के बाद फिनिशर आ चुका है, नाउ इज फिनिशर टाइम, हटिया रेफरी उठ जा, कमॉन सीना कमॉन भाई, फिनिशर बचा लेना, बचाते क्यों नहीं हो जॉन सीना फिनिशर, क्या रैंडी ऑर्टन मत आना यार, रेजेंस तो जाने दो एटलीस्ट यार, कम से कम रेजेंस तक जाने नहीं देता है रैंडी ऑर्टन। देखो रैंडी ऑर्टन ने काफी मेहनत करी इस मैच में, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भी जानता है गलती से ये मैच हारे ना तो मैं चला जाऊंगा टीम से बाहर, आज पहली और आखिरी बार हो जाएगा, पहली और आखिरी बार। तो रैंडी ऑर्टन ने मोमेंट दिए अपने यार, ब्रॉन ब्रेकर को आते के साथ बाहर करा सुपर फिनिशर से भाई। देखो रोमर रिंग्स कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जॉन सीना को जल्दी से एलिमिनेट करो, जॉन सीना ने बोल दिया कि भाई मुझे एलिमिनेट होना है, एलिमिनेट कर यार रोमन, जॉन सीना प्लीज सुपर फिनिशर लगा दो, उतना टाइम से तुम रोमन रिंग्स को मार रहे हो इधर से उधर कोई फायदा नहीं होना है। सिग्नेचर चलो ठीक है, सिग्नेचर है रैंडी ऑर्टन के पास, कुछ भी कर सकता है। अरे भाई कितना स्पीड में दौड़ के ड्रॉप किक मारा यार, ये गिरा के बस सिग्नेचर देने के मूड में रैंडी ऑर्टन। रोमन रिंग्स को कोई रैंडी ऑर्टन एक काम करो ना, रोमन एक्स को कोई भी तरीके से लपेट लो बस, कुछ मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करके, नहीं अरे बचा लिया सुपरमैन पंच, नाइस वेरी गुड, सुपरमैन पंच भी लगा दिया, जॉन सीना बचाने भी नहीं आ रहा है भाई, ये स्कैम है। रैंडी ऑर्टन फुल हेल्थ है यार, कितना बचाएगा रैंडी ऑर्टन, अभी सबसे बड़ा खतरा है। सीएम पंक एक फिनिशर तो लगा दे भाई, अब तो सिग्नेचर भी आने वाला है तेरे पास, क्यों नहीं लगा रहा है तू फिनिशर, ब्रॉन बेकर ने भी लगा दिया था फिनिशर भाई। सीएम पंक कुछ ना कुछ कांड करके रहेगा, और आई थिंक के ये सुपर फिनिशर, अच्छा सीएम पंक ज्यादा से ज्यादा सुपर फिनिशर के चक्कर में रहता है और जो दे भी नहीं पा रहा है। तो भाई सीएम पंक एक फिनिशर तो बनता है भाई, सिग्नेचर ही दे दे एटलीस्ट, रैंडी ऑर्टन का हेल्थ खत्म करना बहुत जरूरी, फिर रोमन को टैग। रोमन एक्स के पास क्या है, रोमन एक्स के पास स्पीयर है भाई, कुछ भी करके रोमन एक्स का स्पीयर बचाना है रैंडी ऑर्टन, और उसके बाद तुम्हारे पास एक बार फिनिशर आ गया ना तो रैंडी ऑर्टन सब दे देता है फिनिशर। हाँ भाई रुकता नहीं है रैंडी ऑर्टन। तो भाई रोमर एक तुम्हें भी नहीं रुकना है, एक स्पीयर से मैच खत्म,
कर सकते हो सीएम पंक का, मुझे इरादा लग नहीं रहा है कि फिनिशर देगा। कोई बात नहीं है, इरादा लगे। अरे जॉन सीना के पास भी सुपर फिनिशर है। रोमन मौका है, स्पीयर देखे एलिमिनेट कर भाई, जॉन सीना एलिमिनेट हो जाएगा। नॉट लूज होप, जॉन सीना का एक सुपर फिनिशर, रोमन एक एलिमिनेट, जॉन सीना का कमबैक हो जाएगा मेरी टीम में। रोमन स्पीयर दे दे, मौका मत दे जॉन सीना को, मैं बता रहा हूं मौके पे चौका मार देगा। सीएम पंक को क्यों टैग दे रहा, वो देगा फिनिशर? सीएम पंक देगा क्या फिनिशर तू? भाई सीएम पंक से एलिमिनेट मत हो जाना, जॉन सीना बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाथ है यार, ड्रॉप किक भी खा गया। गार्डन में आए हो क्या सीएम पंक? ऐसे टहल क्यों रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं, बस सुपर फिनिशर, जॉन सीना कॉन्सेंट्रेट ऑन सुपर फिनिशर। देखो अभी फिनिशर देने का टाइम था, लेकिन मार रहा है क्लोज लाइन, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अपने को लेना देना नहीं। फाइनली फिनिशर लगा दिया सीएम पंक ने, जॉन सीना नहीं, एक भी फिनिशर नहीं दियो पूरे मैच में। सुपर फिनिशर आ गया सीएम पंक के पास। रैंडी ओटन बेचारे ने 6-6, 5-5 फिनिशर्स लगाए पूरी मैच में। पूरी अकेली टीम, तुम्हारी पूरी टीम को डोमिनेट किया रैंडी ओटन ने भाई, पूरी टीम को डोमिनेट का बात नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट रैंडी ओटन का नहीं हो रहा है, जॉन सीना का हो रहा है। इसलिए वोटिंग मुझे चाहिए जॉन सीना। जॉन सीना को बचाओ और उसे आगे मौका दो, परफॉर्म करेगा। सुपर फिनिशर दे दे भाई, दे दे भाई। क्या तशन में खत्म कर रहा है मैच को रैंडी ओटन भाई? मैच खत्म होने वाला है, मैच खत्म होने वाला है। रैंडी ओटन सो फार सो गुड परफॉर्मेंस, तुमको कैप्टन बनाऊंगा मैं अगली बारी भाई। तो भाई जीत चुकी है टीम रोमन रेंस, और मैं बता रहा हूँ कि जॉन सीना को मौका देना बनता है, रिटायरमेंट है जॉन सीना का, तो जॉन सीना को ज्यादा आना है, तो इसलिए जॉन सीना को मौका दो। रैंडी ओटन तो आते ही रहे, और आज से मेरा मोटो है कि नहीं बजाना नहीं। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड नेवर ट्राई दिस। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।